अभी हाल ही में एक ताज़ा न्यूज़ हमें जो देखने को मिली है वो ये कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो क्या करने जा रही है कि 17 जो ओबीसी में आती हैं, जो जातियाँ, उन्हें एससी में शामिल करने जा रही है। शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति में उन्हें शामिल करने जा रही है। तो इसी बात को लेकर हमारा आज का आर्टिकल है, कोटा पॉलिटिक्स। कोटा का मतलब होता है रिजर्वेशन देना, एक जगह बना देना कुछ व्यक्तियों के लिए या एक समूह के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ सीट आरक्षित कर देना, इसे हम बोलते हैं कोटा। तो उससे संबंधित जो है राजनीति गहरा रही है यूपी में, इसको लेके हमारा आर्टिकल है कोटा पॉलिटिक्स। द आदित्यनाथ रेजिम्स मूव टू कन्फर एससी स्टेटस ऑन 17 बैकवर्ड कास्ट हैज़ नो लीगल बेसिस। रेजिम, रेजिम का मतलब होता है शासन। इसके बाद में अगला टर्म देखो, कन्फर, सी ओ कॉन्फेर, सी ओ एन एफ ई आर, कन्फर। इसके साथ अक्सर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, कन्फर एस सी स्टेटस ऑन, आ गया ना ऑन, तो इसके साथ अक्सर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ध्यान में रखना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, कॉमन एरर में, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, अक्सर इस टाइप की क्वेश्चन जो है ना हमें देखने को मिलते हैं कि कन्फर के बाद में क्या लगेगा। तो द आदित्यनाथ रेजिम्स मूव टू कन्फर एससी स्टेटस ऑन 17 बैकवर्ड कास्ट हैज़ नो लीगल बेसिस। तो ये जो आदित्यनाथ की जो सरकार है, इनका जो शासन है, वो क्या करने जा रहा है, कदम उठाने जा रहा है। मूव, यहाँ पे मूव का मतलब है कदम। मूव, क्या कदम उठाने जा रहा है वो? वह जो है एससी जो जातियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट जो जातियाँ हैं, उन्हें दर्जा देने जा रहा है, स्टेटस ऑन, कन्फर एससी स्टेटस ऑन। किन किन जातियों को दर्जा देना जा रहा है वो? 17 बैकवर्ड कास्ट, 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें, 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें। तो एडिटोरियल का कहना है कि ये जो मूव उठाने जा रहा है, ये जो मूव जो है यूपी सरकार का, जो कि योगी आदित्यनाथ जो करने जा रहे हैं, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, हैज़ नो लीगल बेसिस, मतलब आधार। तो ये जो कदम यूपी सरकार उठाने जा रही है कि वह जो है 17 पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा देने जा रही है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। आगे देखते हैं, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट टू 17 कास्ट दैट आर नाउ अंडर द अदर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट हैज़ नो लीगल बेसिस एंड अपियर्स टू बी एम्ड एट मेकिंग पॉलिटिकल गेंस अहेड ऑफ अ राउंड ऑफ बाई इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली। अब जाके देखो, ये हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हुआ है वहाँ से लेके। यू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट, यूपी सरकार के द्वारा ये जो बिल्कुल नया जो प्रयास है ना, बिल्कुल लेटेस्ट जो प्रयास है, लेटेस्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल अभी हाल ही में जो किया गया ये जो प्रयास है, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है सीमा को बढ़ा देना, टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स। तो क्या करने जा रहे हैं, वह फ़ायदों को बढ़ाने जा रहे हैं, टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स अवेलेबल टू शेड्यूल्ड कास्ट। वर्तमान समय में क्या करने जा रहे हैं वो, कि एक लेटेस्ट अटेम्प्ट है, उनके द्वारा किया गया एक लेटेस्ट प्रयास है, टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट टू 17 कास्ट। वर्तमान समय में जो भी फायदे एससी को अवेलेबल हैं, एससी का मतलब है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, तो वर्तमान समय में जो भी फायदे शेड्यूल कास्ट को अवेलेबल हैं, उन फायदों को वह अन्य 17 जातियों तक और बढ़ाना चाह रहे हैं, और वो अन्य 17 जातियाँ जो हैं, जो अभी किस में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट टू 17 कास्ट। शेड्यूल कास्ट को जो फ़ायदे इस समय उपलब्ध हैं, उनको वो अन्य 17 जातियों तक देना चाह रहे हैं, और वो अन्य 17 जातियाँ जो हैं देट आर नाउ अंडर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, वे अन्य 17 जातियाँ अभी किस में आती हैं, ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, ओबीसी लिस्ट में आती हैं, वो हैज़ नो लीगल बेसिस। तो उनके इस कदम का कोई कानूनी आधार नहीं है, ये जो कदम वो उठाने जा रही सरकार, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। एंड अपीयर्स, और ऐसा प्रतीत होता है, टू बी एम्ड एट, ध्यान रखना ये एम के साथ अक्सर एट प्रीपोजिशन प्रयोग होता है, एम्ड एट, एम्ड एट का मतलब होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, किस ओर जो है आपकी दिशा है। तो ये जो उनका प्रयास जो है वो अपीयर्स प्रतीत होता है, टू बी एम्ड एट, किस लक्ष्य को लेकर उनका ये प्रयास प्रतीत होता है, मेकिंग पॉलिटिकल गेंस, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये कदम उठाया है, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब है किसकी, किसी के आगे, अहेड मतलब होता है आगे, और अहेड के साथ अक्सर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है।
तो ये जो कदम उठे उन्होंने उठाया है, ये राजनीतिक लाभ को देखकर उठाया गया लगता है। किसके आगे? अहेड ऑफ अ राउंड ऑफ बाई इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली। ये जो यूपी की असेंबली है, ये जो यूपी की विधानसभा है, इसमें जो है बिल्कुल एक नया एक दौर होने जा रहा है, बाई इलेक्शंस का उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस उपचुनाव को देखते हुए ये कदम यूपी सरकार ने उठाया है। इट इज़ फेयरली वेल नोन, इट इज फेयरली वेल नोन दैट पार्लियामेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर। अब ये बिल्कुल रू स्पष्ट है, इट इज़ फेयरली, फेयरली का मतलब होता है निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल स्पष्ट होती है ना जो चीज़, उसको बोलते हैं फेयरली। फेयरली मतलब जो काम बिल्कुल ईमानदारी से किया गया है, अनफेयरली मतलब जिसमें बेईमानी सम्मिलित है जिस काम में। इट इज़ फेयरली वेल नोन, वेल नोन मतलब बिल्कुल जानी पहचाना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दैट पार्लियामेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर, कि सिर्फ संसद को इस बात का अधिकार है, संसद में सिर्फ ये शक्ति समाहित है। वेस्टेड विथ, वेस्टेड विथ का मतलब होता है समाहित होना, किसी के पास जब पावर होती है ना कुछ, तो उसको बोलते हैं वेस्टेड विथ। तो ये पावर सिर्फ जो है हमने संसद को ही दी है, जब हम किसी को कोई पावर प्रदान करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं वेस्टेड विथ, और जब किसी से कोई पावर छीन लेते हैं तब बोलते हैं वेस्टेड ऑफ। तो ध्यान रखना, वेस्ट के साथ प्रीपोजिशन विद भी आता है और वेस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है। विद का प्रयोग होता है जब हम किसी को पावर देते हैं, और वेस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है जब हम उससे पावर छीन लेते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जानी पहचानी बात है ये, कि सिर्फ संसद को ही अलोन, सिर्फ एकमात्र सिर्फ संसद को ही ये अधिकार दिया गया है, हमने संसद को ही सिर्फ ये पावर दी है कि वह क्या कर सकती है, किसी को इंक्लूड कर सकती है और एक्सक्लूड कर सकती है। एनी एंट्री इन द एससी लिस्ट, कि जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट बनेगी उसमें किसको एंट्री दी जाए और किसको एंट्री न दी जाए, इसका सिर्फ अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके तहत पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त है? यह अधिकार प्राप्त है पार्लियामेंट को 341 जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत। अंडर का यहाँ पे मतलब है तहत, अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो, इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान है, उसमें आर्टिकल तो कई हैं। अब जैसे हमें जीके की जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो अब हमें लगता है कि यार कैसे करें, यार इतने सारे आर्टिकल हैं, वो तो 400 से भी ज़्यादा है, 448 के लगभग आर्टिकल हैं, तो अब उन्हें कैसे याद करें, या वो सारे याद करें, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि करंट जीके की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं ना, वो यही बनती हैं कि इस समय क्या न्यूज है जो चर्चा में है, कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे संबंधित बात पूछी जाती है। अब जैसे ये 341 याद रखना है आपको, कि 341 किससे संबंधित है, ये इस बात से संबंधित है कि इस आर्टिकल के तहत ही संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद चाहे तो संसद ही ये डिसाइड करती है कि किसे उसे एससी में रखना है और किसे उसे एससी में नहीं रखना है। तो इस तरह से जीके का एक महत्वपूर्न प्रश्न बनता है 341, आर्टिकल 341, जिसके तहत पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वह किसी को शामिल कर सकती है और किसी को बाहर कर सकती है एससी लिस्ट से। आगे देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत, यानी कि केंद्रीय जो मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो हैं सामाजिक न्याय के लिए और किसके लिए, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, किसी को पावर देना, एम्पावरमेंट। तो जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं जिनका कि नाम है थावर चंद गहलोत, हैज़ क्लैरिफाइड, उन्होंने यह स्पष्ट किया है दिस पोजिशन इन पार्लियामेंट, ये जो वर्तमान में जो पोजीशन चल रही है इस पोजीशन को संसद में उन्होंने स्पष्ट किया है। वाइल्ड सजेस्टिंग, साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुझाया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट फॉलो ड्यू प्रोसेस, कि इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस समय उसको जो प्रोसेस है, जो भी तरीका है, उसको जो है फॉलो करना अनिवार्य है। फॉलो ड्यू प्रोसेस, ड्यू का मतलब होता है कि इसको करना ज़रूरी है, जो कि अभी अटकी हुई है चीज़ उसको आपको फॉलो करना होगा। ड्यू मतलब करना होगा इसको, ड्यू प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है, जो नीति है इसके तहत, वो जो है अपनाई जानी चाहिए, कि आप कुछ जातियां हैं उन्हें अगर आप एससी में शामिल करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो विधान हमने बनाया है उस विधान का पालन किया जाना चाहिए। वाइल सजेस्टिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट फॉलो ड्यू प्रोसेस, तो थावरचंद गहलोत ने ये मुद्दा जो है संसद में उठाया, और इसके साथ ही साथ ये बात, इस बात को भी रेखांकित किया है कि सरकार को, जो राज्य सरकार है उसे ड्यू प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हैज़ अनसक्सेसफुली ट्राइड टू गेट सम बैकवर्ड कास्ट डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल कास्ट इन द पास्ट। उत्तर प्रदेश हैज़ अनसक्सेसफुली ट्राइड,
उत्तर प्रदेश ने पहले भी इस प्रकार की एक कोशिश की है और इसमें उत्तर प्रदेश जो है असफल रहा है, अनसक्सेसफुली ट्राइड, मतलब पहले भी वो एक बार कोशिश कर चुका है और असफल रहा है। किस बात की कोशिश कर चुका है? टू गेट, क्या प्राप्त करने की कोशिश कर चुका है? सम बैकवर्ड कास्ट डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट इन द पास्ट, यानी कि यूपी ने पहले भी ऐसी कोशिश की है कि कुछ जो पिछड़ी जातियाँ थीं उनको घोषित किया, सम बैकवर्ड कास्ट डिक्लेयर्ड, घोषित किया एज शेड्यूल्ड कास्ट, उनको ऐसी घोषित कर दिया था बीते हुए समय में। पहले भी यूपी ऐसा कर चुका है, लेकिन इस मामले में भी वह जो है अनसक्सेसफुल रहा था। अब कॉमा लगा के बताया जा रहा है कौन कौन सी वो घटनाएं थी। वंस, एक बार तो कब किया था? वंस का मतलब होता है एक बार, जैसे कोई स्टोरीज होती ना उनमें लिखा होता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, तो वंस का मतलब एक बार। तो वंस एक बार तो कब किया था? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। द टीन्योर, टीन्योर मतलब अवधि ऑफ मुलायम सिंह, एक बार तो मुलायम सिंह का जो शासनकाल था उस दौरान किया था उन्होंने ये काम। वंस ड्यूरिंग द टीन्योर ऑफ मुलायम सिंह, तब जाके तब उन्होंने कोशिश की थी कि कुछ जातियों को जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया जाए ओबीसी से, तब भी वो असफल रहे थे। दूसरा प्रयास उन्होंने कब किया था? एंड अगेन, यूपी में दूसरा प्रयास कब हुआ था इसी चीज़ को लेकर? एंड अगेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव की जो सरकार थी, जो अखिलेश यादव का जो शासन था, रूल का मतलब यहाँ शासन, तो उनके समय भी उन्होंने दूसरा प्रयास किया था, लेकिन दोनों बार जो है यूपी असफल रहा था। इन 2016 में क्या हुआ? अ नोटिफिकेशन वाज इशूड, एक अधिसूचना जारी की गई या एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, अ नोटिफिकेशन वाज इशूड। अब ये सेंटेंस देख रहे हो, नोटिफिकेशन वाज इशूड, इस तरह के सेंटेंस ही हमारे जो आर्टिकल आता है ना उसमें प्रयोग होते हैं। लगभग सारे सेंटेंस जो है ना पैसिव में बनाए जाते हैं कि एक अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन 2016 अ नोटिफिकेशन वाज इशूड स्टेटिंग दैट, यह कहते हुए, अ नोटिफिकेशन वाज इशूड स्टेटिंग दैट, यह कहते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया दैट 17 कास्ट वर टू बी ट्रीटेड एज शेड्यूल्ड कास्ट, कि 17 जो जातियां हैं उनको के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना है, उन्हें जो है उनके साथ जो है एससी का व्यवहार किया जाना है, उनको जो है एससी माना जाना है, इस प्रकार का एक नोटिस इशू किया गया था। इन 2016 अ नोटिफिकेशन वाज इशूड स्टेटिंग दैट 17 कास्ट वर टू बी ट्रीटेड, वर टू बी ट्रीटेड किया जाना था, वर टू बी ट्रीटेड एज शेड्यूल्ड कास्ट, कि कुछ जो ये 17 जातियाँ जो हैं, दैट 17 कास्ट वर टू बी ट्रीटेड एज शेड्यूल्ड कास्ट, कि इस नोटिफिकेशन के तहत इन 17 जातियों को जो कि ओबीसी के अंतर्गत आती हैं इन्हें जो है शेड्यूल्ड कास्ट माना जाना था। द मैटर रीच्ड द इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो है मुकदमेबाजी हो गई और मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। द मैटर रीच द इलाहाबाद हाई कोर्ट बट इन एन इंतरिम ऑर्डर इन मार्च 2017। अब देखो ये जो शब्द आया ना इंतरिम, INTERIM, इंतरिम का मतलब होता है अल्पकालीन के लिए, अस्थायी तौर पे, कि अभी पूर्णतः फैसला नहीं आया है, अभी पूर्णतः चीज़ों मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन अल्पकाल के रूप में आप इसको मान सकते हो। जैसे आपको क्लास का कोई मॉनिटर बनाना है, चुनाव करने के बाद में आप मॉनिटर चुनोगे क्लास का, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप किसी को भी उठा के और जो है उसको क्लास का मॉनिटर चुनते हो, तो हम बोलेंगे कि ये अंतरिम मॉनिटर है, इंतरिम मॉनिटर है, मतलब अल्पकालीन, थोड़ी देर के लिए। तो 2016 में ये जो मामला हुआ और इस तरह से जो पहुँचा, इसके बाद में 2017 में जो ऑर्डर आया इलाहाबाद का, ये अंतरिम ऑर्डर था, मतलब फाइनल नहीं था, बट इन एन इंतरिम ऑर्डर इन मार्च 2017, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ये देखा, क्या निरीक्षण किया कोर्ट ने, कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन केस एनी सर्टिफिकेट्स वर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिफिकेशन, कि अगर कोर्ट ने ये देखा कि अगर किसी भी प्रकार के अगर सर्टिफिकेट जारी हो गए हैं, किस आधार पे ये जो नोटिफिकेशन निकला है यूपी गवर्नमेंट ने, ये जो नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि 17 जातियों को जो है शेड्यूल्ड कास्ट में मान लिया था उन्होंने, और इसको मान लेने के तहत अगर माना कि नोटिस भी जारी हो गए थे कि कुछ लोगों ने जो है ओबीसी के अपने एससी के सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, तो कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन केस एनी सर्टिफिकेट वर इशूड, अगर मानो कि कोई सर्टिफिकेट जारी हो भी गए हैं ओबीसी की जो जातियां हैं 17, उनको मान लो अगर एससी जाति के जो है सर्टिफिकेट अगर जारी कर दिए हैं, दीज वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन, तो ये सर्टिफिकेट जो है फाइनल नहीं माने जाएंगे। दीज वुड बी सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, सब्जेक्ट टू, तो ये किस चीज़ के अधीन होंगे, ये फाइनल जो हमारा निर्णय आएगा सब्जेक्ट टू द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम ऑफ द लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब ये जो मुकदमेबाजी चल रही है या ये जो
विचाराधीन जो चल रहा है ना मामला, इस मामले का फाइनल जो निर्णय निकलेगा उस निर्णय के अधीन होगा ये मामला कि ओबीसी की वे जातियां जिन्होंने एससी के सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं इनको वास्तव में एससी माना जाए या न माना जाए, ये फाइनल रूप से तब तय होगा जब कोर्ट अपना फाइनल फैसला दे देगी। दीज वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन। मोर देन टू ईयर्स लेटर, दो साल से भी अधिक समय के बाद, लेटर मतलब बाद, एल ए टी ई, लेटर मतलब बाद, दिस ऑर्डर हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, इस ऑर्डर को प्रयोग में लाया गया, दिस ऑर्डर हैज़ बीन यूटिलाइज्ड या इस ऑर्डर का जो है प्रयोग किया गया है बाय द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, टू रिस्टोर, रिस्टोर मतलब पुनः स्थापित करना, टू रिस्टोर द प्रपोजल इन एन ओब्लिक मैनर, ओब्लिक ओ बी एल आई क्यू यू, ओब्लिक का मतलब होता है ओब्लिक मैनर, मैनर का मतलब ढंग, किसी काम को करने का ढंग, आपका व्यवहार, ओब्लिक मैनर का मतलब होता है ऐसा व्यवहार या ऐसा ढंग जो कि डायरेक्ट ना हो के अपरोक्ष रूप से होता है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कर रहे आप लेकिन अपरोक्ष रूप से जब कोई काम करते हो ना तो उसे बोलते हैं ओब्लिक मैनर। तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या किया है, उस दो साल से भी अधिक समय के बाद में इस ऑर्डर को प्रयोग किया है उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने, गवर्नमेंट ने, टू रिस्टोर द प्रपोजल कि ये जो प्रस्ताव है इसे दोबारा से जो है इसकी स्थापना की जाए, इस प्रस्ताव को दोबारा लाया जाए, टू रिस्टोर द प्रपोजल इन एन ऑब्लिक मैनर, कि भाई कोर्ट ने तो ये ऑर्डर दे ही दिया था ना कि तब तक उन जातियों को मान लिया जाएगा जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, तो योगी आदित्यनाथ इस प्रपोजल को जो है दोबारा ले आए हैं। दो टी एच ओ यू जी एस, इसका मतलब होता है यद्यपि, इट इज़ क्वाइट अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जब कोई भी चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होती है आपके सामने तब उसके लिए आप बोलते हो अपेरेंट। इस शब्द को कैसे याद कर सकते हैं हम, ए पी, ए पी का मतलब हो गया आप, पेरेंट मतलब हो गया माता पिता, आपके माता पिता आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं अपेरेंट को, अपेरेंट मतलब स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल स्पष्टतया। दो इट इज़ क्वाइट अपेरेंट, यद्यपि ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्वाइट अपेरेंट मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। क्वाइट क्या करते हैं हम किसी भी शब्द के आगे बिल्कुल इम्फेसिस डालने के लिए लगाते हैं क्वाइट, सो इट इज़ क्वाइट अपेरेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट इट इज़ नॉट अ जुडिशियल डायरेक्टिव, कि ये न्यायिक निर्देश नहीं है, कि योगी आदित्यनाथ जो कदम उठाने जा रहे हैं ऐसे कदमों को जो है एक न्यायिक निर्देश नहीं माना जा सकता। तो इट इज़ क्वाइट अपेरेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट इट इज़ नॉट अ जुडिशियल डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब निर्देश, कि ये न्यायिक निर्देश नहीं है ऐसे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड अथॉरिटीज़ इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू इशू सर्टिफिकेट्स टू दोज फ्रॉम दीज कार्ड, इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट में अथॉरिटीज़ को क्या कहा है, सारी अथॉरिटीज़ को उन्होंने बोल दिया है, जिन जिनके पास भी ये अधिकार हैं सर्टिफिकेट जारी करने के, उन सारे अधिकारियों को उन्होंने ये बोल दिया है कि आप जो है सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो, इन 17 जातियों को एससी के सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अथॉरिटीज़ इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू इशू सर्टिफिकेट्स टू दोज फ्रॉम दीज कार्ड्स, कि जो भी इन 17 जातियों में आते हैं जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें आप एससी के सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो, और किसके बावजूद जारी कर सकते हो, जबकि न्यायालय ने अभी इस बात के किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए हैं। आगे देखते हैं, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है, दीज 17 कार्ड्स कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है मिलके बने होना, किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, समाहित होना। नो डाउट दीज 17 कार्ड्स कंप्राइज द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड अमोंग द बैकवर्ड क्लास, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जो 17 जातियाँ हैं ये किन किन से मिलके बनी हुई हैं, इन बैकवर्ड क्लास में ये जो 17 जातियाँ आती हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड है, यानी कि वंचित वर्ग है, एडवांटेज मतलब फ़ायदे में होना, डिसएडवांटेज मतलब वंचित होना। तो माना हमने कि ये जो 17 जातियाँ हैं ये जो पिछड़ी जातियाँ हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जातियों में आती हैं, बहुत ही ज़्यादा वंचित तबका है इन 17 जातियों का। कैटेगराइजिंग द बैकवर्ड क्लासेस इनटू टू और थ्री सेक्शंस हैज़ बीन सीन एज वन वे टू अपोर्शन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमॉन्ग मैनी सोशल ग्रुप्स। कैटेगराइजिंग द बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण कर देना इनटू टू और थ्री सेक्शंस, पिछड़ी जातियों को ही दो और तीन भागों में बांट देना, दो और तीन सेक्शन में बांट देना, हैज़ बीन सीन, देखा गया है, यानी कि आप इस तरह का कदम उठाते हो कि बैकवर्ड क्लास में जो भी जातियाँ आती हैं उनको ही आप जो है उनके ही सब सेक्शन बना दो, उपवर्ग बना दो, उन्हें ही दो या तीन भागों में बांट दो कि भाई ये सबसे ज़्यादा पिछड़ी बैकवर्ड जातियाँ हैं, ये उससे कम बैकवर्ड जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, हैज़ बीन सीन। अगर आप इस कदम उठाते हो, इस तरह का कदम उठाते हो, इस तरह का वर्गीकरण कर देते हो, तो इस कदम को किस तरह से देखा जाता है, हैज़ बीन सीन, इसे देखा गया है एज वन वे, एक तरीके के तौर पर, एक रास्ते के तौर पर।
टू अपोर्शन, अपोर्शन का मतलब होता है बांटना, टू अपोर्शन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमॉन्ग मैनी सोशल ग्रुप। अगर कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं उनमें आपको रिजर्वेशन बांटना है तो इस तरह से आप बांट सकते हो, टू अपोर्शन द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के जो फ़ायदे हैं अगर कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं उनमें आपको बांटना है तो किस तरह से आप बांट सकते हो, उनको जो है वर्गीकृत कर सकते हो, बैकवर्ड क्लास के ही दो या उससे दो से ज़्यादा श्रेणियाँ बना सकते हो। तो इस तरह का अगर आप काम करते हो तो इसे भी एक तरीका माना गया है, हैज़ बीन सीन एज वन वे टू अपोर्शन, की इस तरह से जो है आप बांट सकते हो। इन सच एन एक्सरसाइज, और इस तरह की जब आप एक्सरसाइज करते हो, इस तरह का कदम आप जब उठाते हो, इस तरह का कार्य जब आप करते हो, दीज कास्ट मे क्वालिफाई फॉर अ कंपार्टमेंट विद इन द ओबीसी कोटा। तो इस तरह की जो जातियाँ हैं, जैसे कि इन 17 जातियों के बारे में हम बात करें जो कि सबसे ज़्यादा वंचित तबके में आती हैं, ये क्वालिफाई कर सकती हैं, इनका एक उपखंड बन सकता है, इनका एक कंपार्टमेंट बन सकता है विद इन द ओबीसी कोटा, ओबीसी कोटा के अंतर्गत ही। कुल मिला के ये जो एडिटोरियल है ये हमें सजेस्ट करता है कि अगर ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी होती है कि ओबीसी के अंतर्गत ही अन्य ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो आप क्या कदम कर सकते हो, आप एक कदम ये उठा सकते हो कि ओबीसी के अंतर्गत ही एक कोटा बना सकते हो, यानी कि ओबीसी पहले से ये कोटा, इसके अंतर्गत एक सब कोटा का निर्माण कर सकते हो और उसमें इन जातियों को रख सकते हो। तो उसे हम बोल सकते हैं एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना सकते हो ओबीसी कोटा के अंतर्गत ही, दीज कास्ट में क्वालिफाई, और इसके अंतर्गत भी आ जाएंगी, फिर क्वालिफाई कर जाएंगी इस कास्ट के अंतर्गत। हाउएवर, फिर भी ट्रीटिंग देम एज शेड्यूल कास्ट इज बिसेट विथ प्रॉब्लम्स, बिसेट विथ, ध्यान में रखना है इस बिसेट शब्द के साथ में विद प्रीपोजिशन का अक्सर प्रयोग होता है, और ये जो बिसेट है ना इसका मतलब होता है घिरे होना, समस्याओं से घिरे होना, काफ़ी सारी परेशानियां जब लगातार बनी रहती ना तब हम बोलते हैं बिसेट विथ। तो हाउएवर ट्रीटिंग देम एज शेड्यूल कास्ट इज बिसेट विथ प्रॉब्लम्स, फिर भी अगर जो है आप इनको ट्रीट करते हो शेड्यूल कास्ट की तरह, इन जातियों को अगर आप शेड्यूल कास्ट की तरह ट्रीट करते हो तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, इसके तहत आपको काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। हाउएवर ट्रीटिंग देम एज शेड्यूल कास्ट इज बिसेट विथ प्रॉब्लम्स फॉर वन थिंग, अब देखें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आपको, क्या क्या देखने को मिल सकती हैं प्रॉब्लम, किन किन समस्याओं से बिसेट विथ है। दे मे नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड एज एससी, हो सकता है कि वे एससी के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाएँ, दे मे नॉट क्वालिफाई, हो सकता है मे संभावना है, दे मे नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड एज एससी, कि ये जो जातियाँ हैं ये हो सकता है एससी में आने के लायक ही ना हो, बिकॉज क्यों, दे मे नॉट हैव सफर्ड अनटचेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हो सकता है इन जातियों को अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव का सामना ही न करना पड़ा होगा, हो सकता है इन जातियों को अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा होगा। देखो ये जो मे हैव शब्द है ना, मे हैव का हम प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंटेंस बनाने में, जैसे चुका होगा, लिया होगा, गया होगा, जब हम संभावना लगाते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा या हो गया है या हुआ होगा, जैसे सुमित मे हैव डन हिज वर्क, सुमित उसका काम कर चुका होगा, ही मे हैव रीच्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली पहुंच गया होगा। तो अब एडिटोरियल में देखो इस लाइन को, दे मे नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड एज एससी, वह जातियाँ एससी के लिए क्वालिफाई नहीं होंगी, ऐसी संभावनाएं कि नहीं हो सकती हैं, बिकॉज दे मे नॉट हैव सफर्ड अनटचेबिलिटी, सफर्ड, सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट झेलना। तो क्यों एससी में अंतर्गत नहीं आ सकती वो, क्यों संभावना है उसकी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको अनटचेबिलिटी का सामना या सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा होगा, बिकॉज दे मे नॉट हैव सफर्ड अनटचेबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। गिवन द लीगल लिमिटेशंस, लीगल लिमिटेशंस का मतलब होता है कानून की सीमाओं को देखते हुए, गिवन मतलब देखते हुए, गिवन द लीगल लिमिटेशंस, कानून की सीमाओं को देखते हुए, ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू एक्सपेंड द एससी लिस्ट, कि स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर है जिसके तहत वो क्या कर सकती है, एससी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकती है, इस पर काफ़ी सारी कानूनी बाध्यताएँ हैं, काफ़ी सारी कानून की सीमाएँ हैं। गिवन द लीगल लिमिटेशंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू एक्सपेंड द एससी लिस्ट, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू डिसर्न अ पॉलिटिकल मोटिव, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है अंतर करना, भेदभाव करना, किसी चीज़ को पहचानना, तो ये पहचानना मुश्किल नहीं है। मोटिव, पॉलिटिकल मोटिव, कि राजनीतिक मकसद क्या है बिहाइंड एनी मूव, कि कोई भी कदम जब राज्य सरकार उठाती है
तो इसके पीछे राजनीतिक मकसद क्या है, इसको देखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डिसर्न अ पॉलिटिकल मूव बिहाइंड पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड एनी मूव टू कन्फर एस सी स्टेटस ऑन सेक्शंस ऑफ द ओबीसी टू कन्फर बिहाइंड एनी मूव टू कन्फर एस सी स्टेटस ऑन सेक्शंस ऑफ द ओबीसी। जब भी आप किसी भी ओबीसी का जो वर्ग है उसे जब आप एससी का स्टेटस एससी का दर्जा आप प्रदान करते हो कन्फर करते हो देते हो तो इसके पीछे आपके क्या पॉलिटिकल मकसद हैं इसको पहचानने में कोई मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट कोई ये डिफ़िकल्टी भरी बात नहीं है। गिवन द लीगल लिमिटेशंस कि हमें पता है कि राज्य सरकार के ऊपर कानूनी सीमाएं होती हैं कि वह जो है एससी की लिस्ट को जो है एक्सपेंड नहीं कर सकती है, इसके बावजूद भी अगर वो ऐसा कदम उठा रही है तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो इसके पीछे क्या राजनीतिक मकसद हो सकता है सरकार का। When the Samajwadi Party is in power, जब समाजवादी सरकार पार्टी जो है वो सरकार में थी, one could say, कोई कह सकता था, one, इस one शब्द का हम प्रयोग कैसे करते हैं, जब जनरल सेंटेंस बनाते हैं ना सामान्य वाक्य बनाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं one could say, यानी कि कोई भी, तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता था one could say, moving them to the SC list would have freed up more opportunities, moving them to SC, them, किसके लिए आया है यहाँ पे देम, उन 17 जातियों के लिए आया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इन 17 जातियों को एससी लिस्ट में डाला जाता वुड हैव फ्रीड अप। अब देखो ये वुड हैव जो शब्द आता है ना तो वुड हैव का मतलब है ऐसा हुआ होता लेकिन हुआ नहीं। वुड हैव का मतलब कब प्रयोग करते हैं वुड हैव को, ऐसा हुआ होता लेकिन हुआ नहीं। तो अगर समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय यह कदम उठाया होता सरकार ने वुड हैव उठाया होता, कौन सा कदम उठाया होता कि इन 17 जातियों को एससी लिस्ट में डाल दिया होता तो वुड हैव फ्रीड अप, तो इसके माध्यम से क्या हुआ होता, जगह खाली हो गई होती, वुड हैव फ्रीड अप फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, और अवसरों के लिए जगह खाली हो गई होती, किनको मिले होते और अवसर अपॉर्चुनिटीज किनको मिल जाती, फॉर द इन्फ्लुएंशियल एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट यादव, इन्फ्लुएंशियल मतलब जो प्रभाव में है जिनका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव है, पॉलिटिकली डोमिनेंट मतलब राजनीतिक रूप से जिनका दबदबा है। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ये कदम उठाया होता तो कोई भी ये कह सकता था कि यार ये कदम जो है ना ये किस लिए उठाया गया है, ये जो यादव जो कैटेगरी है ना ओबीसी में तो जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और राजनीतिक रूप से एक दबदबा रखती है, इस जाति को जो है अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो चुके हैं इनके लिए थोड़ी और जगह बन जाए। क्यों? क्योंकि जब ये 17 जाति ओबीसी से निकल के एससी में चली जाएंगी तो ये जो ओबीसी में आती है जाति कौन सी जाति, ये जो यादव जाति है, इनको थोड़ी और जगह मिल जाएगी। तो किसी ने भी ऐसा सोचा होता, अगर ऐसा हुआ होता तो इसके लिए आया है वुड हैव, ध्यान में रखना वुड हैव का मतलब है अगर ऐसा हुआ होता। आगे देखते हैं, फॉर द प्रेजेंट बीजेपी रेजिम, और ये वर्तमान की जो बीजेपी का जो शासनकाल है इसके लिए द मूव कुड हेल्प, ये जो कदम उठाया है सरकार ने ये हेल्प कर सकता है, सरकार की मदद कर सकता है। कार्व आउट, CARVE, कार्व का मतलब होता है नक्काशी करना तराशना, उसको बोलते हैं कार्व, और कार्व आउट ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कड़ी मेहनत से प्राप्त करते हो ना तब आप बोलते हो कार्व आउट। तो वर्तमान का जो बीजेपी रेजिम है, रेजिम मतलब शासन, तो वर्तमान का जो बीजेपी शासन है या बीजेपी जो सरकार है उसके लिए इस तरह का कदम उठाया जाना टू द मूव कुड हेल्प कार्व आउट अ वोट बैंक, इसकी मदद से उसे क्या तराशने में मदद मिलेगी, एक वोट बैंक मिलेगा उसे, वुड हेल्प कुड हेल्प कार्व आउट अ वोट बैंक, ये मदद कर सकता है बीजेपी सरकार की कि उसके उसको एक वोट बैंक मिल जाए, एक वोट बैंक की को तराशने में मदद कर सकता है ये मूव। फ्रॉम द न्यूली डिक्लेयर्ड एससी ग्रुप, अभी हाल ही में जो घोषणा की गई है ना, डिक्लेयर्ड किया गया कि अभी हाल ही में इन्होंने एक नई एससी जाति का निर्माण कर दिया गया, तो सीधी सी बात है ये एससी जाति जो है ये वोट किसे देगी, क्योंकि बीजेपी को ही देगी क्योंकि बीजेपी सरकार ये कदम उठा रही है, तो इस तरह की जो है मदद उनको मिल सकती है कुड हेल्प, तो इस तरह की बीजेपी सरकार की मदद हो सकती है इस कदम के द्वारा। द बहुजन समाज पार्टी विच हैज अपोज्ड द मूव, और बहुजन समाज पार्टी जिसने कि इस कदम का विरोध किया है विरोध कर चुकी है, बोथ इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड, दोनों जगह उसने विरोध किया है बहुजन समाज पार्टी ने, संसद में भी और संसद के बाहर भी। अंडरस्टैंड, बहुजन समाज पार्टी ये समझती है दैट न्यू एडिशन वुड श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, किसी चीज़ का सिकुड़ जाना कम हो जाना, बहुजन समाज पार्टी ये समझती है कि ये जो न्यू एडिशन आप करने जा रहे हो इसके माध्यम से क्या होगा अपॉर्चुनिटीज सिकुड़ जाएंगी, वुड श्रिंक अपॉर्चुनिटीज, इसके माध्यम से क्या होगा अपॉर्चुनिटीज सिकुड़ेंगी फॉर द एग्जिस्टिंग कास्ट इन द एससी लिस्ट,
एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान में जो है, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। बहुजन समाजवादी पार्टी ये समझती है कि वर्तमान में एससी लिस्ट में जो भी जातियां आती हैं, या वर्तमान में एससी लिस्ट में जिन जिन जातियों का अस्तित्व है, उनका अस्तित्व जो है या उनके लिए जितने भी अवसर हैं वे अवसर और कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप और ज़्यादा एससीओं को घुसेड़ रहे हो। आप पहले से एससी लिस्ट जो बनी हुई है उसी एससी लिस्ट में 17 जातियों को और शामिल करने जा रहे हो, तो इसके माध्यम से क्या होगा, पहले से जो जातियाँ एससी लिस्ट में आती हैं उनके लिए अवसरों की कमी हो जाएगी। अंडरस्टैंड, बहुजन जमात पार्टी ये समझती है दैट न्यू एडिशन वुड श्रिंक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एग्जिस्टिंग कास्ट इन द एससी लिस्ट। आगे देखते हैं, दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई का मतलब होता है इसीलिए, इट्स लीडर, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो नेता है मिस मायावती हैज़ हिंटेड, उन्होंने ये संकेत दिया है, उन्होंने ये हिंट दिया है दैट द रिजर्वेशन पाई, रिजर्वेशन पाई, ये जो रिजर्वेशन का केक है, पाई का मतलब होता है एक डिश होती है पाई, जो कि मांस फल सब्जियों इन सब से मिला के एक बनाई जाती है ना, तो एक डिश होती है, तो एक तरीके से केक समझ लो आप, तो रिजर्वेशन पाई, तो ये जो रिजर्वेशन का केक जो है कैन बी शेयर्ड, शेयर किया जा सकता है, सभी में बांटा जा सकता है, शेयर अमोंग मोर क्लेमेंट्स, क्लेम CLAIM, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, क्लेमेंट्स का मतलब होता है दावेदार। तो मिस मायावती का कहना है, उन्होंने ये संकेत दिया है, ये हिंट दी है कि ये जो रिजर्वेशन की जो डिश है ना, रिजर्वेशन की जो पाई है, रिजर्वेशन का जो केक है, ये सभी लोगों में, ये जितने भी दावेदार हैं उनमें तभी जो है शेयर किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ओनली इफ़, कब, इफ़ इट्स साइज इज इंक्रीज्ड, यदि इसका साइज जो है और बढ़ा दिया जाता है तभी जो है हम जो है शेयर कर सकते हैं, अन्यथा शेयर करने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम बढ़ा देंगे, इस साइज को, एससी लिस्ट की जो अभी वर्तमान कैटेगरी है इसका साइज अगर हम बढ़ा देंगे तब तो जो है ज़्यादा कमी नहीं आएगी वर्तमान में जो एससी जातियां हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ में। तो इस बात की उन्होंने हिंट दी है, मिस मायावती हैज़ हिंटेड, इस बात की उन्होंने हिंट दी है दैट रिजर्वेशन पाई कैन बी शेयर्ड, कि ठीक है रिजर्वेशन को हम शेयर कर सकते हैं, आप ये नई जातियां जो डालने जा रहे हो एससी की, वर्तमान एससी लिस्ट में जो नई जातियां डालने जा रहे हो इनको हम शेयर कर सकते हैं, मोर क्लेमेंट्स जो है और दावेदार जो आने जा रहे हैं इन दावेदारों को भी जो है हम जगह दे सकते हैं एससी लिस्ट में, लेकिन तभी जब आप वर्तमान में जो एससी लिस्ट है, वर्तमान में जो एससी कैटेगरी है उसका साइज जो है और इंक्रीज करो। द यूपी गवर्नमेंट वुड बी वेल एडवाइज्ड, अब एडिटोरियल जो है एक समाधान देता है, द यूपी गवर्नमेंट वुड बी वेल एडवाइज्ड, उचित होगा यूपी सरकार के लिए, या वेल एडवाइज्ड का मतलब ये सलाह ही यूपी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा उचित होगी, टू अवॉइड, कि वह बचे, मिसलीडिंग वल्नरेबल सेक्शंस, टू अवॉइड मिसलीडिंग, कि वह जो है मिसलीड करने से बचे, मिसलीड का मतलब होता है किसी को गलत दिशा देना, भ्रामक दिशा देना किसी को, उसको बोलते हैं मिसलीड, लीड करने का मतलब क्या होता है नेतृत्व देना, मिसलीड करने का मतलब गलत नेतृत्व देना, तो यूपी गवर्नमेंट के लिए ये अच्छी एडवाइज्ड होगी, ये सबसे अच्छी एडवाइज्ड होगी कि वह जो है मिसलीड करने से बचे, किनको मिसलीड करने से बचे, वल्नरेबल सेक्शंस, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है, देखो अभी इस प्रकार के ये शब्द है ना ये बार बार हमारे एडिटोरियल में रिपीट होते हैं, अभी शायद कल या परसों के ही एडिटोरियल जो हमने किया था ना उसमें भी वल्नरेबल आया था, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि वल्नरेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से जीता जा सके, जो कि भेद्य हो, जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, उसे बोलते हैं वल्नरेबल। जैसे मैं आपसे कहूं कि अरे यार अगर तू इससे लड़ेगा ना तो आराम से जीत जाएगा, ये तो बहुत ही वल्नरेबल है, इसे आराम से हरा देगा तू, तो वल्नरेबल का मतलब होता है जो कि आसानी से हार सके, जो कि आसानी से जिसे आप चोट पहुंचा सको उसे बोलते हैं वल्नरेबल। तो एडिटोरियल का कहना है कि जो इस प्रकार के वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो कि जिन्हें आप आसानी से जो है अपनी चपेट में ले सकते हो, आसानी से जो है आप प्रभावित कर सकते हो विथ द प्रोमिस ऑफ एससी स्टेटस, कि आपने उनको कहा कि अरे ठीक है यार, आपने उनको वादा दिया कि हम जो है आपको एससी मानते हैं, आपको जो है एससी का दर्जा देंगे, तो इस प्रकार की अगर आप जो है भ्रामक कदम उठाते हो उन जातियों के लिए जो कि बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल समाज के निचले तबके में आते हैं, बिल्कुल दबे हुए लोग हैं, उनके साथ आप अगर ऐसा कदम उठाते हो तो ये जो है मिसलीड करने वाला है, ये उनको गलत दिशा में ले जाने वाला है, और इस प्रकार के कदम से यूपी सरकार को बचना चाहिए। द यूपी गवर्नमेंट वुड बी वेल एडवाइज्ड, यूपी गवर्नमेंट को यही जो है एक उचित सलाह होगी, टू अवॉइड मिसलीडिंग वल्नरेबल सेक्शंस, कि वो जो ये वल्नरेबल सेक्शंस हैं जो कि कमज़ोर तबके का वर्ग है, इसको भ्रामक दिशा प्रदान करने से बचे,
विथ द प्रॉमिस ऑफ एससी स्टेटस, कि इस प्रकार का ये जो प्रॉमिस कर रही है वो कि ठीक है हम आपको एससी का दर्जा दे रहे हैं, तो इस प्रकार के दर्जे देने से बचे। यही सबसे ज़्यादा वेल एडवाइज्ड होगा यूपी गवर्नमेंट के लिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जो कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, जो फैसला उन्होंने लिया है, इस फैसले से संबंधित था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं।